मैं ऋषिका सिंह चंदेल। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज अप्रैल फूल है, बट हम सब ने मिलके इसे अप्रैल कूल बनाया है इस पेड़ को लगा के। सो कहते हैं ना, हम सब ने मिलके ये ठाना है कि हर घर में एक पेड़ ज़रूर लगाना है। सो इसे हमने बहुत ही सकारात्मक तरीके से लगाया है और आप सभी से मेरी अनुरोध है कि प्लीज़ पेड़ लगाइए। अगर पेड़ नहीं होगा तो हम भी वृक्ष लगाकर अप्रैल फूल की जगह अप्रैल कूल बनाया। युवाओं की सामाजिक की टीम फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया ने मूर्ख दिवस के अवसर पर संस्था अध्यक्ष व राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित मंटू कुमार यादव के नेतृत्व में एक नई पहल जो 4 वर्ष पूर्व शुभारंभ किया गया था, इस वर्ष भी इस मुहिम को गति देते हुए अप्रैल फूल की जगह अप्रैल कूल के द्वारा शहर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में छायादार वृक्ष लगाकर लोगों के बीच पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मौके पर रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी अति देवानंद महाराज जी ने कहा कि इंसान के सुख शांति और समृद्धि का भंडार प्रकृति है। मनुष्य प्रकृति की गोद में ही पलता बढ़ता है। वही टीवी सीरियल की मशहूर अभिनेत्री ऋषिका सिंह चंदेल ने कहा कि देश की समृद्धि में हमारे वृक्ष का भी महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इस राष्ट्र के हर नागरिक को अपने लिए और अपने राष्ट्र के लिए वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है। वही संस्था अध्यक्ष मंटू कुमार यादव ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम आज के परिवेश में जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। लोगों को जागरूक करते हेतु जन जागृत अभियान चलाया जाना चाहिए। जितनी ज्यादा हरियाली विकसित होती है उतना ही अधिक स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण तैयार होगा। वृक्षारोपण अभियान में मुख्य रूप से रचना पर्वत, महावीर प्रसाद, रुपेश कुमार, मोहम्मद शमशाद आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई। छपरा से न्यूज़ फॉर बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सारण।